स्वाइस तो बहुत अच्छा है ना, कश्मीर से भी अच्छा है। इतना कचरा है इसमें जाली में। रात को सारे जूते चप्पल जितनी भी होगी ना बाहर सब छुपा देगा। तो ये बनाया था सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज की ब्लॉग वीडियो की शुरुआत ना सुबह के 8:30 बजे से हो रही है और ना हम उठ चुके हैं और सुबह का ना एक बार हमने काला चाय बनाकर भी पी लिया है। तो अब हसबैंड जी जाएंगे पार, क्योंकि ना हमारा पाइप बंद हो गया है, जाली बंद हो गया है, पार पानी लगाने जाएंगे। और मेरे को ना अब सबसे पहले आंगन की सफाई करके ना नाश्ता बनाना होगा। तो नाश्ता ना आज जो सेब तोड़ने अंकल जी वगैरह है ना यहाँ बगीचे पे, उनके लिए भी नाश्ता बनाना है, क्योंकि ना वो आजकल रोज ही ना बोला सुबह 6 बजे खाली पेट आ जाते। तो कल ही बोला था नाश्ता बनाने के लिए, सिर्फ आज ही नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि ना उनको आना जाने पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और आज से ना वो अंकल जी वगैरह यहीं ऊपर जो अंकल जी का बाग है ना उधर ही कमरे पे रुक गए। तो अभी का नाश्ता बनाती हूँ। और अभी मेरे पास ना टाइम भी नहीं है, हस्बैंड जी को ना वीडियो भी अपलोड करना है पार जाके, नहीं तो ना लेट हो जाएंगे। तो बाकी की बात में करूंगी। जाओ ना हस्बैंड जी आप। तो ये देखिए जो ब्लैक एप्पल थे ना यहाँ पे सारे भर दिए। ये देखिए सबसे छोटा साइज है 6 लेयर और ये मीडियम वगैरह है। ये देखिए ब्लैक एप्पल सारे भर दिए, लगभग लगभग 70 से 80 बक्से हुए ये छोटे वाले गिफ्ट पैक सारे भर दिए। तो मैं जा रहा हूँ पार, तो कुछ से भी पेड़ में ही है ये, आज तोड़ेंगे। जो ये वाले सेब ना इसका साइज काफी बड़ा है, क्योंकि ये पेड़ अभी छोटे हैं ना, सैंपल दे रहे हैं, तो साइज काफी बड़ा है इनमें। पूरा ठंड है और देखिए पूरा पहाड़ से ढक गया है ना इधर, पूरा धूप ही नहीं है। ओ भाई बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, फटाफट चलते हैं वहां पार से वीडियो अपलोड करूंगा मैं। तो नदी को देख के ऐसा लग रहा है ना अभी कि बर्फ ही बह रही है पूरी। तो इस टाइम तो इतना ठंडा होता है ना ये पानी, ना हाथ ही नहीं लगा सकते। और ये हमारा झूला ब्रिज, इस साल इसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ही ज्यादा हिलता है। तो इस बार पेटियां कैसे ढोएंगे पता नहीं। तो बोल तो रहे थे ना हमारे को ढोने के लिए, लेकिन हम नहीं ढोएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे ढोना। आज की वीडियो ना थोड़ी सी लेट हो गई अपलोड होने में, तो 9 बजे आती थी वीडियो, तो आज जो है ना 9:15 में आएगी। और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। तो यहाँ से देखिए व्यू, तो ये है पानी का चैम्बर। तो इसमें ना पूरी पत्तियां फंस गई है, क्योंकि अब सर्दी आ रही है ना, तो पत्तियां सारी झड़ रही है। तो पूल में ना पूल में ना पत्तियां सारी आ जाती है और जाली में फंस जाती है। तो इसको साफ करेंगे, एक बार पहले बंद कर देते हैं यहाँ से पानी। तो पानी को नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद टैंकी खाली हो जाएगी, फिर जाली साफ करेंगे। तो कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए इतना कचरा है इसमें जाली में ना, इतना गंदा भी है, तो ये पानी इसलिए नहीं पीते हम लोग बाहर। तो कर लेते हैं नाश्ता। आज नाश्ते पे बनाया मैंने प्लेन परौंठा, तो अंकल वगैरह के लिए भी प्लेन परौंठा बनाया था, और अंकल जी वगैरह ना ये दूध लाए थे, तो अपने लिए भी बन गया चाय और अंकल लोगों के लिए भी। तो रिदम को आ रहा है गुस्सा, बूस्टर को देखो ये बूस्टर तो मेरे साथ ही रहता ज्यादातर, इसको पता नहीं मैं प्यार करता हूँ, है ना बूस्टर? बूस्टर बूस्टर मारेगा रिद्धू। बुस्टर ने रिदू का चप्पल छुपा दिया, रिदू मारता है ना इसको, इतना मारता है रिदू इसको। रिदू को पसंद ही नहीं है कि हम इसको प्यार करें, तो हस्बैंड जी को ना ये बहुत ज्यादा प्यार करता है। जूते चप्पल का है बेचारा, सुबह से रिदू एक जूता, रात को सारे जूते चप्पल जितनी भी होगी ना बाहर सब छुपा देगा।
तो सबसे पहले ना सुबह उठ के हमें अपने जूते चप्पल ढूंढना पड़ता है, एक भी नहीं, रात भर लगा होता है एक 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 करके बारी बारी ना। तो आज तो मिला भी नहीं, पता नहीं कहाँ छुपा दिया रिद्धू का चप्पल इसने। मैंने खुद नहीं खा कर भी दिया, आज मैंने सिर्फ 10 रोटी बनाया था, 6 ऊपर अंकल को, 4 हमको। तो अंकल जी ना सारी गिफ्ट पेटियां ना इधर शिफ्ट कर रहे, क्योंकि हमने ना पानी स्टेप पे जोड़ दिया, क्योंकि आज हमारा काम ना स्टेप पे है, तो वहां से ना पानी का पाइप ना लीक होता है, तो ये सारी पेटियां ना गिल्ला हो जाएगा, फिर फट जाएगा। तो फिर अंकल जी सारी गिफ्ट पेटी यहाँ पे रख दिया है, अब ना कोई दिक्कत नहीं है। तो सच में इतना बड़ा बगीचा है ना, अभी हमारा सेब का तोड़ाना खत्म भी नहीं हुआ है, क्योंकि 10 से 15 दिन लग जाएगा, इसलिए ना अंकल जी वगैरह यहीं शिफ्ट हो गए। तो कल बोल रहे थे आखिर हम शिफ्ट नहीं होंगे, तो सुबह सुबह का नाश्ता रोज बना देना, जो भी होगा हम अपनी तरफ से देंगे, लेकिन ना आज अंकल जी वगैरह शिफ्ट हो गए हैं और मैंने आज का नाश्ता बना दिया है, तो कल से ना नाश्ता और खाना खुद से बनाएंगे। तो मैं आई हूँ हस्बैंड जी का फोन चार्ज लगाने, क्योंकि अभी जाके ना अच्छे से धूप निकला है और फोन चार्ज हो जाएगा, नहीं तो हमारा ब्लॉग भी नहीं बनेगा और फोन भी चार्ज नहीं होगा। तो देखिए हमारा इन्वर्टर भी ना खराब हो गया है, तो इन्वर्टर पे ना पूरा जंग लग गया है, तो इसीलिए ना कल सुबह से ब्लॉग नहीं बना था हमारा। तो ये वाला जो तार है ना, ये वाला तार, ये ना टूट गया है, तो इसको ना इस क्लिप से मैंने जोड़ के, हस्बैंड जी ने जोड़ के रखा है, तो ऐसे करके ना हमारा फोन चार्ज हो रहा है। तो ये लाल वाला तार ना छूट गया है, तो लगाती हूँ आराम से फोन चार्ज। तो इस तरह से तोड़ते हैं यहाँ पर सेब। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे। हाँ, कल पूछ रहे थे कि किस तरह से तोड़ते सेब दिखाना। अंदर एक और है, पे? ये अंदर बीच में, यार इसमें तो ये बर्फ जैसी पड़ी है, ये बड़ा गंदा है, इस पे रुई लग गया है ना, स्प्रे नहीं किया इन्होंने। तो इस तरह से तोड़ते हैं, बैग में रखेंगे, फिर उसके बाद ढेर लगाएंगे एक जगह पे। सेब तो अच्छा है ना इनका, है ना? हाँ, सेब अच्छा है, ये तो रॉयल है ना, जो स्पर था वो बहुत अच्छा था। हाँ, स्पर है ना, वो तो बहुत ही डार्क था। हाँ, साइज बहुत अच्छा है इनका, जैसे सेब तोड़ते हैं ना, सेब तोड़ने के बाद एक जगह पे ऐसे ढेर लगा के रख देंगे पूरा ना, तो उसके बाद ग्रेडिंग होती है यहाँ पे, तो अलग अलग साइज के सेब ना छांट दिए जाते हैं इससे, जैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 लेयर। तो ऐसे छांटने के बाद ना पेट या बॉक्स बनाते हैं, फिर तो उसके बाद पैकिंग होती है, पैक होने के बाद जाती है मंडी। तो देखिए साइज तो बहुत अच्छा है ना, कितना बड़ा बड़ा सेब है, ऐसे बैग में तोड़ के फिर ले जाएंगे परे। ये अंकल जी रामपुर से ना अंकल जी? हाँ। तो यहाँ का सेब बहुत अच्छा है ना, कश्मीर से भी अच्छा है, तो बहुत फेमस है यहाँ का सेब। तो अभी तो धीरे धीरे पता ही लग रहा है ना लोगों को, है ना, अब जब और यहाँ पर हो रही है काले बर्तनों की धुलाई। एक दिन ना ये सब आप सभी को, ये कुकर तो दिख रहा होगा ना, ऐसे ही ठंड रहेगा तो हम बहुत जल्द ना कुकर की तरह होने वाले हैं ना, होते हैं ना, तो यहाँ पे सर्दी पे ना सबसे बहुत काले हो जाते हैं फट के, तो खासकर गोरे लोग ना बहुत ज्यादा फट जाते हैं यहाँ पे। हम तो पहले ही काले हैं, छोड़ो, तो सच पे ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे, तो बर्तन धोने के बाद ना अब हमारा लंच बनेगा। तो रिद्धू तो हो रहा है धीरे धीरे कुकर की तरह, अब कुछ दिन पे हो जाएगा ये रिद्धू ना, रिद्धू हो जाओगे तो लंच बनाना है, लंच बनाने को लेकर ना टेंशन हो रहा है, क्योंकि अभी 12 बज गए ना, तो क्या बनाऊंगी, दाल किस बहना और कुछ भी नहीं है घर पे, तो देखती अभी क्या बनाती हूँ। ये बूटा तो पहले ही कुकर की तरह हो गया है। हाँ, बूस्टर का कलर तो है हमारे कुकर की तरह ना, अभी तो भी हो जाओगे, इसलिए रोज हाथ मुंह धोना, ठीक है? क्या बना रही हो? ठीक है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं लंच, और लंच पे बनाया मैंने फटाफट आलू और न्यूट्री की सब्जी, आलू ना कच्चे ही है, ऐसे खा लेंगे, पकते ही नहीं है यहाँ पे, बहुत टाइम लगता है। तो हमारा लंच हो गया, अभी अभी लंच हुआ और हम जा रहे हैं, आज ना आराम नहीं किया,
क्योंकि ना अभी 2 बज गए हैं और मैंने धोना है कपड़े, तो कपड़े धोंगी क्योंकि कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। रितु वो वाला स्वेटर लाओ पापा का धोने वाला, हाँ यहीं पे उस टैप पे। रितु टब भी लेकर आना बाहर आंगन पे। हाँ ठंडी लग रही है, आप कपड़े छाल दोगे आ जाओ। मैं नहीं छालता हूँ, छालो, मैं कैसे आपका हेल्प करती हूँ, छालो ना, देखो धूप चल जाएगा अभी, आप छालोगे, मैंने साबुन भी लगा दिया। टाइम में पानी दे रहा हूँ फटाफट, नहीं ना तोले नहीं भरने तक, नहीं नहीं ना जुर, नहीं छालोगे, आप छालोगे, कैसे हेल्प कर देती जब मेरा अपना काम नहीं होता है। तो मेरे हाथ ना बिल्कुल सुनोगे, तो अब ना मैंने कपड़े धोने बंद कर दिए हैं और ना थोड़ा बहुत कपड़े ना रह गए और धोंगी मैं कल। अब बैठी हूँ यहाँ पे धूप पे, धूप भी वैसे ना जाने वाला है, तो तब तक ना मेरे हाथ भी गर्म हो जाएंगे। बिल्कुल सुनोगे, मैंने भी सुनोगे, मैंने तो पानी खिला। क्यों खेले फिर आप पानी पे? डुबू ने तेल की बोतल ही खा दी। इतनी पक्के से पता ढक्कन लगा के रखा था, कैसे खोलते हैं? ये ताबू ही फेंकता, पता नहीं क्यों आया। खाएगा मारिए, ठहर जा तू। ये हाथ इतना नुकसान करता, कभी चीनी का डब्बा कभी तेल का बोतल। इसे तो हमारा बूस्टर ही समझदार है ना, बूस्टर आ जाए, इतने दिन से इसने कुछ नहीं किया बाहर का सामान। तो हमने कर ली है छुट्टी, अब आ गए हम घर, अब जा रही हूँ मैं छत के ऊपर। बूस्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसका घर है, लो पकड़ो। सूख गया ना? ब्लैक ब्लैक नहीं होता ये? ऐसे होता है, ब्लैक ब्लैक थोड़ी होता है जुड़े। हाँ। तो ये है सिंकी, आप इसको उठाएंगे। तो ये बनाया था हमने मूली और मूली के पत्ते को धोकर अच्छे से, उस पर पत्थर पे कूट के। तो इसको ना सब्जी में जैसे आलू हो गया या कोई भी सब्जी होगी ना उसमें डाल के बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है ना। खट्टा है ये, थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, मूली का होता है। इसको ना पहले कूटना होता है, फिर इसको पूरे रस निचोड़ के ना, जब हमने ब्लॉग नहीं बनाया था ना तब बना दिया था ये मैंने, पूरा निचोड़ के फिर एक बाल्टी पे रख कर 7 दिन तक ना उसको उल्टा करके रखते, फिर उठाते 7 दिन 9 दिन 11 दिन तक रखते, मैंने 7 दिन तक रखा था। 7 दिन रखने के बाद उसको फिर सुखाते धूप में। हाँ जी, तब जैसे क्या होता है ये हमारा स्पिनिंग टी। तो हमारे व्यूवर जो भी है ना, मतलब हमारे सब्सक्राइबर जो भी नेपाल से, उनको तो पता होगा इसके बारे में। अच्छा, तो हमने शाम के लिए दाल लगा दिया है, अब हमारा वही खाना बनेगा, खाएंगे सो जाएंगे। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।